दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट की सिचुएशन, कंडीशन और लाइफ एक जैसी नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से जितना मुझे पता है सीटेट में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, खास करके महिलाएं हैं या बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने जॉब में हैं, जिनके पास इतना समय नहीं है कि वो 3 महीने एकदम स्टूडेंट की तरह एग्जाम की तैयारी में लगाए, और ना ही इतना समय है कि पर डे वो एकदम जो हमारा एक प्रॉपर प्लान होता है स्टूडेंट का उसको वो फॉलो करें। लेकिन सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के बाद आपके जॉब में या इंक्रीमेंट के या बहुत जगह पे प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं तो रास्ते खुलते हैं। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर आप सीटेट में पास कर गए हैं तो आपका दरवाजा खुल गया। तो बहुत लोग इसलिए भी तैयारी करते हैं कि या तो वो जैसे तैसे अगर पास भी कर जाए तो उनका काम बन जाएगा, लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ने में लगेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना समय ही नहीं दे पाएंगे। एक और कंडीशन है, जैसे कि देखिए अभी बिहार शिक्षक भर्ती है, बहुत सारे बच्चे जो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर सीटेट में फेल कर गए तो उधर चला गया अपीयरिंग के कैंडिडेट जो भी है, तो उसमें वो सीटेट में तो बस पासिंग चाहिए, तो फिर बिहार शिक्षक भर्ती में मेन उनको तैयारी करना। ऐसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके साथ ऐसा कंडीशन है, तो वो लोग कैसे तैयारी करें कि एकदम कम से कम समय दें लेकिन पास जरूर कर जाएं। देखिए हम सब चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट 130 140 से ऊपर नंबर लेकर आएं, लेकिन हमें उन स्टूडेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिनका काफी संघर्षमय समय चल रहा है। तो मैं आपको बहुत छोटी सी चीज यहां पर बताने वाला हूं, बस आप ये काम कर लीजिएगा और आप आराम से जो है 90 नंबर ले आइएगा, मतलब 90 प्लस ही ले आइएगा, 90 से 100 तक में, और आराम से आपका काम हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपको जो है बहुत ही बेसिक चीजें बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर आप देख लीजिए कि जो भी लोग यहां पर तैयारी कर रहे हैं, आप क्या करिए, एकदम बस इतना ही करिएगा, इसके अलावा आपको कुछ करना नहीं, क्योंकि उतना आप है उनके लिए है जिनके पास समय नहीं है और 20 दिन में आपको करना भी है। तो आप क्या करिए ना कि 10 पेपर ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, 10 एग्जाम का पेपर आपको मिल जाएगा सीटेट के वेबसाइट पर मिल जाएगा, 10 जो है प्रे पेपर जो है पीवाईक्यू का वो लीजिए आप 2021-22 वाला, ठीक है, और 10 पेपर लीजिए है ना पीवाईक्यू का 2022-23 वाला, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम 20-25 दिन चला है, लगभग 30 दिन के भी चला है 2022-23 में, तो ये जो दो प्रीवियस ईयर के 10-10 पेपर लीजिए, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, आप इससे कम भी ले सकते हैं अगर आपके पास और भी कम समय है, तो 10-10 पेपर लीजिए और टोटल 20 पेपर हो गया। अगर आप ये कर सकते हैं तो एकदम मिनिमम मेहनत में आपका अच्छे से हो जाएगा। इस प्रीवियस ईयर पेपर को आप सबसे पहले क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि समय कम है, कई बार हमें रिवर्स अप्रोच अपनाना पड़ता है, इसमें आपको 2.5-3 घंटा लगता है एक पेपर को बनाने में, आप बैठ के थोड़ा जल्दी भी बना सकते हैं। तो आप क्या करिए, या तो मोबाइल में देख के या तो कंप्यूटर में देख के अगर आप प्रिंट आउट करा सकते हैं तो प्रिंट आउट करा सकते हो, सबसे बढ़िया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिंट आउट हो जाता है, मोबाइल लैपटॉप में ही देख के आप क्वेश्चन देखते चलिए और अपने हिसाब से उसका जो है आंसर बनाते चलिए। ओएमआर शीट अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कॉपी में ही 1 से लेके 150 तक देखे आप इसको बना लीजिए, जितना भी समय आपको लगता है पर डे, बस इतना आप काम कर लीजिए। और इसके बाद क्या होगा कि आपको दो तरीके की बात होगी, मतलब क्वेश्चन मान लीजिए 150 में से आपको मान लीजिए कि 60 ही नंबर आया, ठीक है, तो अब जितने भी क्वेश्चन आपके गलती हुए इसको बनाने के बाद, उन क्वेश्चंस को अगर आप देखिएगा, मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन हुआ तो आपका 90 क्वेश्चन गलत हुआ, तो कोई घबराना नहीं, ये पर डे का मैं बता रहा हूं, तो 90 क्वेश्चन जो गलत हुआ इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि इन 90 क्वेश्चन को अगर आप मान लीजिए आपका गलत हो रहा है तो इसमें भी दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा जिसमें कि ज्यादा चीज आएगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, जिसमें कि क्या होगा, इसमें से 90 में से 60 से 70 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आप जल्दबाजी के कारण गलती किए हैं या आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़े नहीं हैं, मतलब वही हुआ जल्दबाजी हुआ, या आपने उस समय पर उसका मीनिंग कुछ दूसरा समझ लिया है ना, इस वजह से आपको गलती हुए होंगे। तो इस 60 से 70 क्वेश्चन को आप बनाने के बाद आपको आंसर तो यहां पे मिल ही जाएगा, आंसर की है ही, उससे मिला के आप देख लीजिए और ये आपका अगले जो है क्या कहते हैं 1 घंटे के अंतर्गत ये चीज हो जाएगा कि कौन कौन सा गलत हुआ और किस किस वजह से गलत हुआ। तो 60-70 क्वेश्चन जो जानते हैं लेकिन वो जो चीज है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो गया है, कुछ तो उस समय पर जल्दबाजी हो गया, उस वजह से यहां पर जो है आपको अगर गलती हुआ तो वो ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा लगभग आपका मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन लगभग ऐसा होगा जिसमें आपको कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, ठीक है,
कंसेप्ट ही नहीं पता होगा, या मान लीजिए कि उस चीज का आपको लॉजिक नहीं पढ़ा होगा, या वो टॉपिक आपको एकदम नहीं पता होगा, तो इस टॉपिक को आप देख लीजिए, इस टॉपिक को आप देख लीजिए किसी किताब से, यूट्यूब में भी सर्च करके आप देख सकते हैं, जैसे भी, बस उस टॉपिक को देख लीजिए। तो हमने 150 क्वेश्चन लिया, ठीक है, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप 20 सेट नहीं भी कर सकते हैं तो दोनों साल का 8-8 सेट ले लीजिए, वो भी चलेगा, लेकिन जो सेट ले रहे हैं उस पर ये काम जरूर करिए। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर सब मिला के आप 5 सेट ले रहे हैं तो भी ये काम में जल्दबाजी मत करिएगा, ये पूरा अच्छे से करिए, जितना भी करिए अच्छे से करिए। तो ये 100 से 150 बना लिया, उसमें से मान लीजिए 60 सही हो गया तो ठीक है, जितना गलत हुआ अब उस पर आ गए, उसमें जितना भी हमारा ऐसे वजह के कारण गलत हो गया, जो देख के आंसर देख के समझ में आ गया उसको बढ़िया से समझ लेंगे, क्यों गलती हुआ, दोबारा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है ये जो है एक सेट बनाया, पहले ये काम कर रहे हैं अब, तो अब यहां पर जो है 20 कंसेप्ट है उसको कंसेप्ट को पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए पियाजे की थ्योरी में कोई टर्म में दिक्कत था या ऐसे था, हमको मैंने क्या बोला, हमको 90 नंबर की तैयारी करनी है, तो ये पूरा जो लॉजिक वॉजिक है उसको कर लिया। ये आपको यहां पर जो है ये पोर्शन हो गया, जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तब हम उठाएंगे सेट नंबर 2, ठीक है। तो सेट नंबर 2 उठाया, फिर उसमें भी वही काम किया, इसको आप रिपीट कर दीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आपको मैं क्यों बोल रहा हूं 60 क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पैडागोजी का रहता है, 30 क्वेश्चन सीडीपी में पैडागोजी, बाकी सब्जेक्ट में भी 15 पैडागोजी रहता है। तो यही अपने आप में अगर आप देखिएगा तो 90 नंबर हो गया, है ना। उसके बाद आपको पैसेज पोएट्री रहता है, उसमें भी पैसेज पोएट्री को हम कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर सामने है, प्रैक्टिस का चीज है बस, तो वो भी हो गया। बाकी ईबीएस का कंटेंट और मैथ का कंटेंट, पेपर वन की अगर हम बात करते हैं तो वो है, पेपर टू में भी ठीक उसी प्रकार से, एसएसटी साइंस या एसएसटी या मैथ साइंस में। तो ये चीज आप रिपीट करिए जितनी बार कर सकते हैं, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 सेट 7 सेट 10 सेट अगर आप कर लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं 90 तो छोड़िए, आप 100 प्लस नंबर लेकर आएंगे बहुत आराम से, और 20 दिन उसके लिए काफी है। अगर आप रियल में जिस टाइम पर काम कर रहे हैं उसी टाइम पर कर लिया, रात में ऑफिस से आए या घर से के काम से छुटकारा मिला, या और भी जैसे मान लीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे 2-3 घंटे का टाइम लिया, ये मेन सेट बना लिया, उसके बाद क्योंकि आप बनाए हुए हैं तो ये काम आपका जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो भी होगा उसको देख के, ऐसे मान लीजिए कोई कंसेप्ट है तो जो कॉपी रखेंगे उसमें वही खाली लिखेंगे जो यहाँ पे हमको कंसेप्ट नहीं पता था, क्योंकि जो पता है अब बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, ये नहीं कर, ये सब पता है, वो सबको नोट करने का जरूरत नहीं, सिर्फ वही पॉइंट लिखेंगे जहां पर नहीं पता है। और आप देखिएगा 5 सेट बनाते बनाते आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपका मन में आ जाएगा। और सिंपल बात सोचिएगा, पहली बात तो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, कुंठित मत होइएगा कि यार नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी नहीं होना है, तो हमको लग जाना है इस तरीके से और हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोग आपको क्या मदद कर सकते हैं, YouTube पर डेली हम लोग बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस चला रहे हैं इसी की, है ना, जो प्रीवियस ईयर है हुआ है पिछले 2 साल में, तो आपको वहां से भी आप क्लासेस देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो। इससे क्या होगा कि आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि कोई टीचर कैसे किसी चीज पे समझा रहा है। तो अभी हम लोग भी जो है पर डे 30 क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, तो हर सब्जेक्ट का, तो एक दिन में आपका वो भी हो जा रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो सीटेट का हम लोगों का फाइनल सरम 2.0 प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू के ऐप पर, अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो जो ये पोर्शन मैंने बोला है इसको आप अपने से कर लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी 90 नंबर लाने से, मैं आपको गारंटी देता हूं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।